नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका भी कंप्यूटर या लैपटॉप में लैंग्वेज चेंज हो गई है। यहाँ पे कॉर्नर की तरफ मुझे एक लैंग्वेज देखने को मिल रही है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये, आप देख सकते हैं। तो इसको हम वापसी इंग्लिश कैसे करेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे इंग्लिश कैसे करूँगा, ठीक कैसे करूँगा और आप इसे कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको विंडो बटन दबाना है या माउस की मदद से विंडो को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग्स, या ये सिंबल बना होगा, आप इस पर ध्यान दीजिए और इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे ए बना हुआ होगा, घड़ी बनी होगी, या ये सिंबल बना होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक माइक का निशान और इसके ऊपर मिल जाएगा ए बना हुआ, ए फॉर एप्पल, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहेगा या एंटर लैंग्वेज करने को कहेगा, तो उसे कर दीजिए, हम इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, आप उस पर क्लिक करके उसको रिमूव कर दीजिए। तो मैंने कर दिया है और यहाँ पे हमारी लैंग्वेज भी ठीक हो गई है, आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ से हमारा जो टाइम वगैरह ख़राब दिखा रहा था वो भी सही दिखाने लग गया है। तो ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।